हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी, विच इज द थर्ड सेक्शन ऑफ दिस पेपर. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथवे ऑफ एब्सॉर्ब्ड वाटर इन द रूट ऑफ प्लांट्स. तो हमें ये बताना है कि जो प्लांट्स में वाटर एब्जॉर्ब होता है वो तो रूट से होता है, हमें पता है, बट उसका करेक्ट पाथवे क्या है. सो हमें पता है कि सॉइल से वाटर आता है, तो सॉइल वाटर तो सब में है, फोर्थ ऑप्शन सारे हैं, ठीक है. उसके बाद जो होता है हमारा रूट, यानी कि रूट हेयर में आते हैं, ये भी हमारा चारों ऑप्शन में है. देन इसके बाद आता है कॉर्टिकल सेल्स. कॉर्टिकल सेल्स हमारा ऑप्शन वन एंड ऑप्शन फोर्थ में है. कॉर्टिकल सेल्स में हमारे कॉर्टेक्स सेल्स आती हैं. कॉर्टिकल सेल्स के बाद आता है हमारा पासेज सेल्स, जो कि हमारा है ओनली फोर्थ ऑप्शन में. पासेज सेल के बाद आता है हमारा पेरिसाइकल एंड देन जाइलम. सो इससे हमारा मैच हो रहा है ऑप्शन फोर. सो द करेक्ट आंसर ऑफ 101 इज ऑप्शन फोर. नेक्स्ट आते हैं हम हमारा 102 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि हमारे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि इसके बिना नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो सकता. सो इसका आंसर हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, कॉपर है, सेकेंड मॉलिब्डेनम, थर्ड जिंक एंड फोर्थ कैल्शियम. सो इसका आंसर जाएगा हमारा मॉलिब्डेनम, क्योंकि मॉलिब्डेनम इज रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन प्लांट्स, ठीक है. इसके बाद हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 103, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड. तो हमारे फोर ऑप्शन इसमें दिए हैं, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा हमारा करेक्ट है. राइबोसोमल आरएनए कैरीज अमीनो एसिड टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. नो, दिस इज नॉट करेक्ट. सेकेंड है हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बाय विच प्रोटीन आर सिंथेसाइज. नहीं, हमारा गलत है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में हमारा प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है. ट्रांसलेशन प्रोसेस बाय विच एमआरएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस. नो, ये भी हमारा गलत है. फोर्थ देखते हैं हम, एंटीकोडोन साइट ऑफ टी एम आर एन ए मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस टू द ट्रिपल कोड ऑफ द एम आर एन ए. यस, बिल्कुल करेक्ट है. एंटीकोडोन विच इज द टॉपिक ऑफ अवर बायोटेक्नोलॉजी. इसमें हमारा है कि जो हमारी टी आर एन ए की साइट होती है वहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होते हैं वो ट्रिपल कोड में होते हैं, और कहाँ पर होते हैं, एम आर एन ए पर होते हैं. सो ये हमारा बिल्कुल सही है. सो 103 का हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है. इसके बाद हम देखते हैं 104. इन अ टिपिकल कंप्लीट बायसेक्सुअल एंड हाइपोगाइनस फ्लावर द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल वॉल्स ऑफ द थैलेमस द आउटर मोस्ट द इनर मोस्ट इज. मीन्स हमें एक फ्लावर को ऑब्जर्व करना है. फ्लावर का जो आउटर पार्ट होता है वहां से लेकर बीच का पार्ट हमें देखना है. तो सबसे पहले फ्लावर क्या आता है, हमारा कैलिक्स. कैलिक्स कौन सा पार्ट होता है, वो जो ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर में, पत्ती हो जैसा, जो लीफ बर्ड के टाइम पे उसको फ्लावर को कवर करके रखता है. सो हो गया हमारा कैलिक्स. कैलिक्स के बाद आता है हमारा कोरोला. कोरोला कौन सा पार्ट होता है, वो जो ब्राइट कलर्स होते हैं जिनसे फ्लावर्स अट्रैक्ट करते हैं, तो वो हो जाता है हमारा कोरोला. इसके बाद आता है एंड्रोशियम विच इज अ मेल सेक्स ऑर्गन, ये होता है. एंड देन इसके बाद आता है हमारा गाइनोशियम विच इज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन. सो इससे हमारा आंसर मैच हो रहा है ऑप्शन वन से. सो 104 का करेक्ट ऑप्शन है हमारा फर्स्ट, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. इसके बाद आते हैं हम 105 क्वेश्चन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्बुमिनस ऑटो इम्यून डिजीज. यानी कि इसमें ऑटो इम्यून डिजीज कौन सी नहीं है. ऑटो इम्यून कौन सी होती हैं, ये वो डिजीज होती हैं जिसमें जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, यानी हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो अपने आप को ही, अपनी ही बॉडी को हार्म करता है, यानी उसी पे अटैक करता है. सो इसमें से ग्रेव्स डिजीज, ये ऑटो इम्यून है. एडिसन डिजीज, ये भी है. रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, ये भी ऑटो इम्यून डिजीज है. अब हमारा रह गया फोर्थ ऑप्शन, इंसोमनिया. इंसोमनिया इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज. क्यों, क्योंकि ये जो इंसोमनिया है ये है हमारी स्लीप डिसऑर्डर. मतलब इसमें क्या होता है, स्लीपिंग में डिफिकल्टी आती है, इंसान को नींद नहीं आती. सो ये हमारा कोई ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है. सो 105 का करेक्ट ऑप्शन है इंसोमनिया. नेक्स्ट आते हैं 106, हाइड्रोपोनिक्स इज. तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होते हैं,
हाइड्रोपोनिक्स हमारे हैं, जब मतलब बिना सॉइल के हम प्लांट को कल्टीवेट करते हैं, यानी जिसमें कोई सॉइल ना हो, तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। तो इससे हमारा मैच हो रहा है सॉइललेस कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, यानी कि 106 का फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद आते हैं हम 107 पर। एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस सीड्स आर फाउंड इन, अब जब एल्बुमिनस सीड्स की बात आती है, या फिर जिसे हम एंडोस्पर्मिक सीड्स भी कहते हैं, तो इसमें सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि जो कॉटिलेडन्स होते हैं वो यूजुअली स्मॉलर होते हैं या फिर लेस डेवलप्ड होते हैं, यानी कि ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होती है इनके कॉटिलेडन्स में। जैसे कि बात करें मेज हो गया, व्हीट हो गया, बार्ले हो गया एंड राइस। सो 107 क्वेश्चन है हमारा, एंडोस्पर्मिक एल्बुमिनस सीड्स आर फाउंड इन, यानी कि जो एंडोस्पर्मिक सीड्स होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं एल्बुमिनस सीड्स, ये हमारी किसमें होती हैं? तो नॉर्मली हम बात करें तो मोनोकोटिलेडन्स की बात करते हैं, और मोनोकोटिलेडन्स में भी ऑर्किड आता है। ऑर्किड को हम हटा देते हैं क्योंकि जो ऑर्किड होता है वो हमारा होता है नॉन एंडोस्पर्मिक। बाकी जैसे हो गई हमारी व्हीट हो गई, बार्ले हो गई, सेरेल्स हो गई, मेज हो गए, ये सब हमारे कैसे होते हैं? एंडोस्पर्मिक होते हैं या एल्बुमिनस सीड्स भी कहते हैं। सो इससे हमारा आंसर मैच कर रहा है, फोर्थ इज सेरेल्स। सो द करेक्ट आंसर इज सेरेल्स। हम नेक्स्ट की बात करते हैं, 108 क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स विथ सेल वॉल कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन आर, मतलब कि सबसे छोटी सेल्स जिसके पास, मेन बात यहाँ पर यह है कि सेल वॉल हो। हमने नॉर्मली देखा है कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विच डू नॉट हैव सेल वॉल, सो उसका आंसर होता है माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ। सो कुछ लोग यहाँ पर इग्नोर करेंगे कि सेल वॉल वाला पोर्शन, वो सीधा मार्क करेंगे थर्ड ऑप्शन विच इज पीपीएलओ। सो दिस इज नॉट करेक्ट। इसमें क्वेश्चन क्या है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल बट हैविंग सेल वॉल एंड कैपेबल ऑफ ग्रोथ, यानी कि उसमें ग्रोथ और डिवीजन भी होनी चाहिए। सो इसका आंसर हमारा जाएगा बैक्टीरिया। ओके, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल हमारी है बैक्टीरिया, विच ऑल्सो हैव सेल वॉल एंड विच कैन ग्रो एंड डिवाइड। सो हमारा इसका 108 का आंसर है बैक्टीरिया। इसके बाद हम देखते हैं 109th क्वेश्चन, विच इज मॉस्क्यूटो डे सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि मॉस्क्यूटो डे हमारा कब मनाया जाता है? सो आंसर इज 20 अगस्त। हमें बस इसे डेटा है जो कि याद रखना है कि 20 अगस्त को मॉस्क्यूटो डे हमारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है 110th, फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस एल्कोहल बाई ईस्ट सैक्रोमाइसिस इज ड्यू टू, यानी कि हमें क्या करना है, फर्मेंटेशन से अल्कोहल बनाना है, वो भी ईस्ट की हेल्प से। सो ये कैसे होता है? ये होता है हमारा जाइमेज से। जाइमेज क्या है? जाइमेज इज एन एंजाइम विच इज एक्ट एज कैटलिस्ट, मतलब कि एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है फर्मेंटेशन में, जिसमें शुगर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी कि इथेनॉल बन गया, अल्कोहल बन गया। ठीक है, तो ये वर्क करने के लिए कैटलाइज का वर्क कौन करता है? जाइमेज करता है। सो जाइमेज हमारा है यहाँ पर थर्ड ऑप्शन। 110th का हमारा थर्ड ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 111th क्वेश्चन, लेबोरेटरी वीड या गिनी पिग ऑफ प्लांट किंगडम हम किसे कहते हैं? सो हमारा आंसर है इसमें एस्परजिलस। एस्परजिलस नाइजर जो कि फुल नेम है। क्या होता है ये? एक ब्लैक मोल्ड है, नॉर्मली फाउंड इन डैम प्लेसेस, नॉर्मली हमें डैम प्लेसेस में मिल जाता है, और ये ज़्यादातर यूज़ होता है फर्मेंटेशन में। ठीक है, इसीलिए इसे लेबोरेटरी में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है 111th का एस्परजिलस। नेक्स्ट आते हैं 112th पर, एज ऑफ एल्गी या द पीरियड ऑफ एल्गी इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज। सो हमारा आंसर इसमें जाएगा ऑर्डोविशियन एरा। ये हमें डेटा है जो कि याद रखना है कि कौन से एरा में हमारी एल्गीज आई या कौन सी एरा में हमारे प्लांट्स आए। ठीक है, तो एल्गी जब आई हमारी, तो उस टाइम का जो पीरियड था वो कौन सा था? ऑर्डोविशियन एरा था हमारा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम 113th पर, वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स एंड बॉटेनिकल स्नेक्स ऑफ द प्लांट किंगडम आर। तो वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, और जिन्हें हम कह सकते हैं बॉटेनिकल स्नेक्स भी, ये हमारे कौन होते हैं? ये होते हैं हमारे टेरिडोफाइट। सो
हमने पढ़ा हुआ है प्लांट किंगडम का कि सबसे पहले एल्गी आई, एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स आए, और ब्रायोफाइट्स के बाद हमारे टेरिडोफाइट आए, जिन्हें जिनमें हमें वैस्कुलर सिस्टम देखने को मिला। तो इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, हम वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। ठीक है, कौन है वो? टेरिडोफाइट्स हैं। तो 113 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, टेरिडोफाइट्स। 114 क्वेश्चन हम देखते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ एंड लेटरल रूट्स आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ रूट, यानी कि रूट में हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उसमें ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ हमारी होती हो, या जिसे हम लेटरल रूट भी कहते हैं, जहाँ से अराइज होती हैं। ठीक है, तो वो कौन सा रीजन है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा कलेक्ट्रा रीजन, नो, इसका कोई मतलब नहीं। सेकेंड हमारा रूट एयर जोन, नहीं, यहाँ से भी नहीं होता। थर्ड है हमारा जोन ऑफ मैच्योरेशन, मैच्योर सेल, ये होता है हमारा मैच्योर सेल्स का जोन, जहाँ पर हमारी सेल्स मैच्योर होकर कलेक्ट होती हैं, और यहाँ से हमारी सेकेंडरी ग्रोथ रूट की स्टार्ट होती है। ठीक है, सो आंसर हमारा होगा जोन ऑफ मैच्योर सेल, किसका? 114 का थर्ड ऑप्शन है हमारा करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम 115। इन क्रेन्स एनाटॉमी द बंडल सीड सेल्स हैव, यानी कि क्रेन्स एनाटॉमी में बंडल सीड सेल्स जो होती हैं उसमें, मतलब उसकी स्पेशलिटी क्या है, क्या फीचर्स हैं सेल के? सो इसमें है थिक वॉल्स, यानी कि जो वॉल्स होनी चाहिए वो थिक होनी चाहिए। इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो बिल्कुल नहीं होता, सो नो इंटरसेलुलर स्पेस। एंड क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो लार्ज इन नंबर्स होता है, सो इससे मैच हो रहा है हमारा सेकेंड ऑप्शन, विच इज थिक वॉल्स, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये हो गया हमारा 115 का सेकेंड ऑप्शन, एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 116। इन प्लांट सेल विच ऑर्गेनल सिक्रीट पैक्टिन, हेमीसेलुलोज, प्रोटीन एंड माइक्रोफाइब्रिल्स ऑफ सेलुलोज टू मेक सेल वॉल। ऑप्शन हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डिक्टियोसोम एंड ग्लाइकोकैलिक्स। इसमें पूछा गया है कि प्लांट सेल में ऐसा कौन सा सिक्रीटरी ऑर्गन है जो कि पैक्टिन, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन, प्रोटीन्स, माइक्रोफाइब्रिल्स ऑफ सेलुलोज सिक्रीट करता हो। सो हमारे ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, जिसमें से डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम क्या है? अगर ये एनिमल सेल्स में बात होती तो वो होता हमारा गोल्जी। ठीक है, यहाँ पर प्लांट की बात हो रही है तो उसे ही हम कह रहे हैं डिक्टियोसोम। सो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, डिक्टियोसोम, जिसे हम सिक्रीटरी ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। तो 116 का हमारा डिक्टियोसोम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम 117। स्ट्रीमिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म विद इन सम लिविंग सेल इज नोन एज। ठीक है, देखिए कुछ सेल्स में साइटोप्लाज्म, जैसे हम बात करें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो स्ट्रीमिंग होती है साइटोप्लाज्म की, उसे हम किस नाम से और जानते हैं? सो आंसर है हमारा साइक्लोसिस। साइक्लोसिस का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इन वेरियस ऑर्गेनिज्म, मतलब कि हम ये भी कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म इनसाइड द सेल। जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेल के अंदर फ्लो करता है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, साइक्लोसिस कह रहे हैं। सो इसमें हमारा सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, साइक्लोसिस, यानी कि 117 का सेकेंड ऑप्शन साइक्लोसिस इज करेक्ट। 118 देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रिशनली एसेंशियल अमीनो एसिड फॉर ह्यूमन्स, यानी कि ह्यूमन्स के लिए हमारे पास एसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा है? दो टाइप के होते हैं, एसेंशियल होते हैं, नॉन एसेंशियल होते हैं। तो हमें इसमें पूछा गया एसेंशियल कौन सा है, तो एसेंशियल है हमारा ऑप्शन ये है, आर्जिनिन, एस्पार्टिक, ग्लाइसिन एंड फेनिलएलनिन। तो हमारा ऑप्शन है फर्स्ट, आर्जिनिन, जो कि बिल्कुल सही है। तो 118 का फर्स्ट ऑप्शन आर्जिनिन इज करेक्ट। 119 देखते हैं हम, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस व्हेन डीजीए 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज चेंज इंटू फॉस्फोग्लिसरेडिहाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑकर्स, मीन्स ये हमारा रिएक्शन का पार्ट है। इसमें पूछा गया है कि जब ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हमारा चेंज होता है फॉस्फोग्लिसरेडिहाइड में,
तो इसमें कौन सा रिएक्शन होता है, मतलब ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है या इलेक्ट्रोलिसिस होता है या हाइड्रोलिसिस होता है. सो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, हाइड्रोलिसिस भी नहीं होगा और इलेक्ट्रोलिसिस भी नहीं होगा. तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा क्या, रिडक्शन. तो 119 का हमारा सेकेंड ऑप्शन रिडक्शन इज